क्या नाम है जी आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह, क्या पूरा मामला है, किस तरह से गुंडे बने पकड़े गए, क्या? हमारी शॉप के ऊपर 13 फरवरी को एक लड़का आता है, तो वो नीचे लाइब्रेरी बनी हुई है हमारी शॉप के, तो उसमें वो जो उसके पेपर का फॉर्मेट था और जो हमारी लाइब्रेरी के पेपर का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है लगभग। तो उसमें क्या हुआ कि अंदर वो चला जाता है, एंटर हो जाता है। मैं मौके पे नहीं था, मैं बेटे को लेने गया हुआ था स्कूल में, तो उन्होंने क्या किया, वो एंटर हो गया अंदर, तो वो लड़की के पास चला गया जो आगे आगे बैठी थी। तो उसको यूँ लगा कि फ़ीस देनी है इसको, ये फ़ीस के लिए आया है, तो वो अपने 800 रुपये निकाल के उसको दे देती है। उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता रहता है, किसी ने 200 दे दिए, बाकियों को समझ आ गई कि ये मांगने वाला है, तो उसको बेचारी को समझ नहीं आई, तो किसी ने 100 दे दिए, किसी ने 50 रुपये दे दिए। तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग 13 फरवरी की 2 मार्च को रिकॉर्ड की अपने मोबाइल के अंदर। वो भी मैंने जब लड़की से फ़ीस मांगी, वो कहती भैया मैंने तो फ़ीस दे दी, तो वो अपनी जगह सही थी, मैं अपनी जगह सही था मांगने के लिए। कुदरती आज इस लड़के का आना हो गया। इस लड़के से पहले एक लड़का आया जो मैं चौकी में देके गया हूँ 2 घंटे पहले, उसके पास वही सेम पेपर है मेरी लाइब्रेरी से रिलेटेड, हो सकता है इत्तफाकन वो सेम बन गया हो, उन्होंने जो बनाया हो। तो वो एंटर करके अंदर पैसे ले ही रहा था बच्चों से, कि पहले मैंने बच्चों को अलर्ट कर दिया था कि अंदर कोई आता है तो आपने ऊपर रिपोर्ट करनी है, मैं घर गया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि वो फीस लेके अभी सुबह 5,000 रुपये किसी ने दिए, तो वो जस्ट बाहर आया तो हमारे लड़कों ने पकड़ लिया उसको कि तू एक बार बैठ जाए यहाँ पे, आएंगे मालिक तो बात करेंगे। तो उसके बाद इसको लेके चौकी में आ गए, चौकी वालों ने उसको पकड़ रखा है। उसके बाद वही लड़का आ जाता है 13 फरवरी वाला दुकान के ऊपर, तो उसको अब चौकी में लेके आए हुए हैं। दोनों के पास सेम कागज़ है, डिफेंडम के, MP जबलपुर के दोनों। कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा स्कूल है जो ऐसी डॉक्यूमेंट बना के देता है जिसके ऊपर लिखा है हिज फादर इज़ नियर टू, हिज मदर इज़ नियर टू डेथ एंड हिज फादर इज़ डेड एंड हिज सिस्टर इज़ नियर टू मैरिज, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है उसके ऊपर कि उसकी बहन की शादी है, माँ मौत के नज़दीक है, पिताजी मर चुके हैं। तो दोनों लड़कों के ऊपर जो स्टैंप लगी हुई है उनके सर्टिफिकेट के ऊपर बिल्कुल सेम है, और वर्डिंग भी लगभग सेम लिखी हुई है। ऐसी कौन सी संस्था है बताइए जो ऐसे लेके चल रही है? तो दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये नहीं पता, अभी इनको आमने सामने नहीं किया, पुलिस वालों ने उनको आमने सामने नहीं किया। दोनों ने वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई है, पैटर्न सेम है, जो उनका सर्टिफिकेट का पैटर्न है वो भी सेम है। जहाँ का ये डॉक्यूमेंट्स है वहाँ आपने वेरीफाई किया कि क्या? वो पुलिस वाले वेरीफाई करेंगे, उन्होंने अभी वेरीफाई किया है, एक जगह कॉल की है, अभी वो अब बिल्कुल क्लियर नहीं हो चुका है कि वो पेपर सही हैं या गलत है। वो भी पुलिस वाले इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि वो सही है या गलत है। ना तो उनके पास आधार कार्ड है ना कुछ है। अगर MP के बंदे सिरसा आके पैसे मांग रहे हैं अपनी बहन की शादी के लिए, अपनी माँ की शादी के लिए, तो वो MP में क्यों नहीं मांग रहे, सिरसा ही क्यों उन्हें मिला है? अगर ऐसे बंदे यहाँ पे कोई अनहोनी घटना कर देती है तो कौन जिम्मेवार है, प्रशासन क्या कर रहा है? तो 800 रुपये का सहयोग दे दिया लड़कियों ने कि जो इनकी सर, इसके अंदर पैसों का मैटर नहीं चल रहा, मेरा जो मानना है, मेरा जो मानना है पैसों का मैटर नहीं। वो लड़की ने बुलेखे से उस लड़के को पैसे दे दिए, बुलेखे से दे दिए कि ये शायद लाइब्रेरी की फ़ीस लेने के लिए मेरे पास आया है, क्योंकि फॉर्मेट उसके पास बिल्कुल सेम था, ये कारण है। बात मेरा, मेरी मंशा इनसे पैसा लेना नहीं है, मेरे को ये है कि MP के बंदे हैं, ना इनका कोई जो सर्टिफिकेट है ना तो उसके ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है ना कुछ है, ये यूँ ऐसे अपने सिरसा शहर में क्यों घूम रहे हैं? दोनों नज़र आ रहे हैं, एक्टिंग भी वैसी कर रहे हैं, हो सकता है वो हो, भगवान के रंग का अपने को नहीं पता कि वो है या नहीं है। उनके पास सर्टिफिकेट भी है, वो सर्टिफिकेट भी पुलिस वालों ने लगभग कंफर्म कर लिया है, अभी थोड़ा सा और कर रहे हैं कि वो जाली ही लग रहे हैं। तो बस वो दिखाते थे और वो पैसा, बस वो दिखा के पैसे ले रहे हैं, पैसों की भी कोई बात नहीं, पर ये लड़के हैं, ये कल को कुछ ऐसा कर जाएंगे तो क्या कर। एज लगभग 20-22 साल के होंगे दोनों, खैरपुर चौकी के अंदर हैं।